दोस्तों आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 और टारगेट प्लेयर देखने वाले हैं। IPL 2023 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस कौन से प्लेयर को टारगेट करती है और प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे और टॉप ऑर्डर में डेविड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड रहेंगे और ये पांचों भी बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, मुंबई इंडियंस को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा जो कि ऑलराउंडर है और मुंबई इंडियंस को दो स्पिन गेंदबाज शामिल करने होंगे अपनी टीम में IPL 2023 के ऑक्शन में। उसके बाद जोफ्रा आर्चर और एक साठ गेंदबाजी का विकल्प मुंबई इंडियंस के लिए बाकी रहता है। IPL 2023 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस को एक साठ गेंदबाज शामिल करना होगा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं मुंबई इंडियंस के टारगेट प्लेयर। बैट्समैन की बात की जाए तो निकोलस पूरन, जो रूट और मनीष पांडे को मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2023 के ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। और स्पिन बॉलिंग के लिए ऑप्शन रहेंगे सिकंदर रजा, एडम जेम्पा, आदिल रशीद, शाकिबुल हसन और कोई अंडर 19 का प्लेयर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस को दो स्पिन गेंदबाज की जरूरत है। और उसके बाद फास्ट बॉलर ऑप्शन जयदेव उनादकट, शिवम मावी और जेसन होल्डर ऑलराउंडर के ऑप्शन पे दबा सकते हैं। उसके बाद शिवम मावी भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जयदेव उनादकट मुंबई इंडियंस से खेले हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस के कौन से प्लेयर को IPL 2023 के ऑक्शन में टारगेट करना चाहिए और आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस इस साल फाइनल मार पाएंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।